पोलैंड पर मिसाइल अटैक के बाद घंटों तक चुप्पी को लेकर उठ रहे सवालों के बाद नेटो एक्शन में आया है। नेटो ने पोलैंड के हालात पर इमरजेंसी बैठक की है, जिसमें सदस्य देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने पर लंबी चर्चा हुई। मिसाइल अटैक के बाद पोलैंड में भी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने कहा है कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। यूक्रेन से लगने वाली सीमा से लोग शिफ्ट होते भी दिखे हैं। पोलैंड ने रूसी राजदूत को बुलाकर साफ साफ कहा ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पोलैंड पर मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका समेत नाटो के सदस्य देश भारी तनाव में हैं। हमले के बाद बाली में G20 समिट के दौरान हुई G7 देशों की आपात बैठक में बाइडेन समेत फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत सभी नेताओं के चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही है। बैठक में रूस के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा हुई। पोलैंड पर मिसाइल अटैक को पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। पश्चिमी देश रूस पर हमले का बहाना ढूंढ रहे हैं। पुतिन के करीबी मेदवेदेव इस वक्त रशियन सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन हैं। पोलैंड पर मिसाइल अटैक पर लातविया ने रूस को चेताते हुए कहा कि गंभीर नतीजे के लिए रूस ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने पोलैंड पर हमले के कदम को बेहद खतरनाक कदम बताया। लातविया ने कहा कि वो मजबूती से पोलैंड के साथ खड़ा रहेगा। मिसाइल अटैक के बाद पोलैंड भी एक्शन में है। बाली में पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने बाइडेन से बात की। इसके बाद डूडा की नाटो चीफ से भी बात हुई। इस बीच पोलैंड के मिलिट्री एक्सपर्ट की टीम मिसाइल अटैक की जांच के लिए मौके पर पहुंची। पोलैंड ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है। पोलैंड पर मिसाइल अटैक को लेकर अमेरिका की ओर से दिए गए बयान पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान ने असहमति जताई है। जर्मनी और हंगरी ने कहा कि बिना पूरी जांच के नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अमेरिकी अफसरों ने कहा कि मिसाइल यूक्रेन की भी हो सकती है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया है कि पोलैंड में गिरी मिसाइल को नेटो के प्लेन में ट्रैक कर लिया था। नेटो मिलिट्री के अधिकारी ने कहा कि ये जानकारी पोलैंड के साथ साझा भी की गई है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि मिसाइल किस दिशा से आया था। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस के कल ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के निशाने पर अमेरिका खुफिया विभाग CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स थे। हमले के दौरान बर्न्स कीव में अमेरिकी एम्बेसी में मौजूद थे। इससे पहले 14 नवंबर को ही अंकारा में विलियम बर्न्स रूसी खुफिया प्रमुख से मिले थे।